राजस्थान का दिल मध्य प्रदेश अपने अंदर कई इतिहास समेटे हुए है। मध्य प्रदेश में कई ऐसी जगह हैं जहां इतिहास की बेहतरीन कलाकारी देखी जा सकती है। ऐसी ही एक जगह है मध्य प्रदेश के मंदसौर के भानपुरा क्षेत्र की अरावली की पहाड़ियों की गुफाओं और चट्टानों पर, जहां पर कप मार्क्स व शैल चित्र का खजाना है। ये विश्व के पुरातत्वविद ने भी माना है कि गुफाओं में मिले कप मार्क्स विश्व में सबसे पुराने हैं। कप मार्क्स की लंबी श्रृंखला और शैल चित्रों के कारण ये क्षेत्र बहुत प्रसिद्ध है और यहाँ देश के साथ साथ विदेशों से भी पर्यटक पहुँचते हैं। ये रॉक पेंटिंग करीब 2 लाख वर्ष से ज़्यादा पुराने होने की संभावना है। ये रॉक पेंटिंग हमारे प्रागैतिहासिक इतिहास के बारे में बताती है। ये पेंटिंग इस काल में विकसित हुई सभ्यता का प्रमाण है। साथ ही ये रॉक पेंटिंग्स लाखों वर्ष पहले मानव के अस्तित्व होने का सबूत देती है। इस बेहद अनमोल पुरातात्विक धरोहर को किसी भी नुकसान से बचाने की पूरी कोशिशें की जा रही हैं। वैज्ञानिक इस क्षेत्र को स्टोन म्यूजियम बनाए जाने की मांग कर रहे हैं। अगर आप भी इस ऐतिहासिक धरोहर को पास से देखना चाहते हैं तो आप यहाँ 9 से 5 बजे के बीच जा सकते हैं। यहाँ पर गाइड की सुविधा है जो आपको इस ऐतिहासिक धरोहर के बारे में जानकारी देंगे। प्रशासन भी इस जगह को पर्यटन क्षेत्र के रूप में विकसित करने की पूरी कोशिशें कर रहा है। चलिए आपको रूबरू करवाते हैं इस ऐतिहासिक धरोहर से, जहां आपको मिलेगी अनुपम कलाकृतियां। रॉक पेंटिंग पर जो ये आने का रास्ता है ये बड़ा कठिन है, क्योंकि यहाँ पर जो पुराने ज़माने के आप देख रहे हैं पत्थर रखे हुए हैं और आड़ा तीछे रास्ते से होते हुए इसमें ऊपर तक जाना पड़ता है। लगभग 1 किलोमीटर नीचे उतरने के बाद यहाँ रॉक पेंटिंग देखने को मिलती है। पर्यटक जो यहाँ आते हैं उनको गाइड के बिना घूमना बड़ा मुश्किल होता है। आप देख रहे हैं किस तरह की चट्टाने जो है दिख रही है और बारिश में जिस तरह का ये जो मुश्किल सफ़र होता होगा यहाँ का, ये भी देखने लायक है। क्योंकि यहाँ पर ये देख रहे हैं आप जिस तरह से चट्टान है और ये जो उतार चढ़ाव का जो ये जो दृश्य दिख रहा है, ये जो दृश्य है बहुत ही खतरनाक होता है। ये यहाँ पर रोमांच भी अपनी जगह है और उतना ही खतरा भी दिखाई देता है। ये जो पत्थर हैं इन पर से आकर चढ़ना, कई बार सहारे की ज़रूरत भी यहाँ पर पड़ जाती है। ये जिस तरह से इतना ऊंचा ये जो रास्ता है, ये देख रहे हैं कि किस तरह से पर्यटक यहाँ पर चढ़ रहे हैं। अब हम आपको दिखाते हैं कि कैसे पर्यटक इन पथरीले रास्तों से गुजरते हैं और यहाँ पर कभी भी जो है ये देखो सहारा की ज़रूरत पड़ती है। कई बुज़ुर्ग पर्यटक भी यहाँ पर आते हैं, उनको बहुत ज़्यादा सहारे की ज़रूरत पड़ती है। अब हम आपको बताते हैं कि किस तरह से ये देखिए किस तरह से पर्यटक वहाँ तक दूर तक आपको दिखाई दे रहे हैं। वो पीछे के हिस्से में जो रास्ता है वहाँ पर चढ़ना मुश्किल पड़ता है, कई बार रास्ता भी पर्यटक यहाँ पर भूल जाते हैं। हम आपको ये दिखा रहे हैं कि चढ़ाई चढ़ने के दौरान कई बार युवा भी थक जाते हैं और उनको ऐसा लगता है कि काफ़ी चढ़ाई जो है मुश्किल है। ये जो पर्यटक वहाँ से आ रहे हैं ये रोमांच तो करते हैं लेकिन अपने आप से डरते भी हैं, क्योंकि देखिए आप ये जिस तरह से एक महिला गिर गई है वहाँ पर नीचे भी, और ये आप देखिए कि ये जो पथरीला रास्ता है ये कितना कठिन है। और यदि इस पूरे रॉक पेंटिंग वाले इलाके में आपको घूमना है तो लगभग 2 से 3 घंटे का यहाँ पर समय देना पड़ता है। और ये जो फिर रास्ता हम आपको एक बार फिर दिखाते हैं कि कितना ये जो रास्ता है वो पथरीला है। पथरीले रास्तों पर जाना किसी एडवेंचर से कम नहीं होता है लेकिन मुश्किल भरा होता है। और ये
जो घने जंगल दिखाई दे रहे हैं इनसे जानवरों का कभी भी अचानक आ जाने का डर बना सा रहता है। कई बार यहाँ पर शेर और हिरण और ये सारे देखने को हमको मिलते हैं। ऐसा नहीं है, यहाँ पर 35,000 साल पहले जब आदि मानव के ज़माने की बात कही जाती थी उस समय सिर्फ न केवल जानवर बल्कि पुरुष के साथ साथ महिलाओं के भी यहाँ के कुछ राग पेंटिंग के चित्र दिखाई दे रहे हैं। ज़रा बताएंगे गाइड हमें कि कौन महिलाओं के चित्र यहाँ पर कहाँ दिखाई दे रहे हैं? ये हाँ, ये महिलाएँ और जेंट्स है जो ये कमंडल लिए हुए हाथ में लकड़ी के साथ में कुछ मटकी नुमा बना हुआ है और ये साफ देख रहे हैं पेंटिंग। एक पर्यटक खासी इस मामले में रुचि लेकर देख रहे हैं जो आमतौर पे कई जगह यात्रा कर चुके हैं और बाकी भी यहाँ पर ये जो पानी भरा हुआ, ये क्या शुरू से पानी भरा रहता है या नदी थी यहाँ पर, क्या था ये? उस समय भी एक नाला यहाँ से गुजरता है लेकिन इसका पानी बड़ा आप देखिएगा कि साफ है और इसमें काफ़ी मछलियाँ भी है। कुछ निशान यहाँ पर साफ दिखाई दे रहे हैं। अभी हम ये गाइड से पूछते हैं यहाँ पर, बताइए आप क्या बता रहे थे, वो कौन सा निशान है वहाँ पर सामने, जरा थोड़ा आगे जाके बताइए। ये जानवर खड़ा है। हाँ, ये कौन से जानवर है? ये नील गाय के बारे में देखिए, पर्यटक किस अंदाज से और किस इंटरेस्ट के साथ देखते हैं। छोटे बच्चे भी आकर इसको देखते हैं और ये ऊपर किस बात का निशान है जरा दिखाएंगे। ये बारा सिंघा का एक निशान है, ये क्या नहीं बेल बताया जा रहा, बारा सिंघा नहीं बेल, बेल बताया जा रहा है। और ये जो है गाइड बताएंगे कि क्या और कौन से निशान है, ये बीच वाले निशान किस बात के दिखाई दे रहे हैं, ये इधर बड़ा स्पष्ट दिखाई दे रही है। अच्छा, पर्यटक भी आकर यहाँ पर कुछ अपनी पेंटिंग का उपयोग करते हैं। ये इलाका कौन से विभाग के पास है? पुरातत्व विभाग। पूरा कितने साल से है ये? ये हो गया इसको 15 साल। यहाँ पर 2004 से साइट ली इसको। कितने किलोमीटर के दायरे में है ये? ये 2 किलोमीटर के दायरे। यहाँ पर जानवर कभी दिखाई देते हैं? हाँ, कौन कौन से जानवर दिखाई देते हैं? तेंदुआ है, चीता है। हाँ, कभी कर्मचारियों को शिकार किया उन्होंने? नहीं करा। अच्छा, शिकार तो नहीं करा, हमने देखे जरूर। कौन से मौसम में वो ज्यादा दिखाई देते हैं? ज्यादा ठंड के मौसम में। ठंड के मौसम में कितने यहाँ पर होंगे जानवर? जानवर तो लाके बाहर से भी छोड़े लेकिन हमने तो एक दो ही देखे हैं। अच्छा, और कितने कर्मचारी यहाँ पर ड्यूटी पर रहते हैं? यहाँ है 7 कर्मचारी। मंदसौर के पास गांधी सागर बांध में से थोड़ी दूर जाकर 12 किलोमीटर घने जंगलों में एक चतुर्भुज नाला राक पेंटिंग के नाम से ये जगह फेमस है। इस जगह के बारे में ये कहा जाता है कि यहाँ पर जो पर्यटक है वो बड़ी संख्या में यहाँ पर आते हैं और पर्यटकों को यहाँ पर रॉक पेंटिंग देखने को मिलती है जो एक ज़माने के बारे में थी। यहाँ मौजूद हम कर्मचारी के बारे से पूछते हैं कि इसका क्या महत्व है। आपका शुभ नाम? अतुल। अतुल जी, आप ये बताइए कि यहाँ इसका क्या महत्व है? इसका यही महत्व है कि ये 30 से 35 हज़ार साल पुरानी पेंटिंग को संरक्षण कर रखा है केंद्र सरकार ने, जैसे भीमबेटका है एमपी में ही, उसी तरह से ये भी है। क्या होता है यहाँ पर, क्या महत्व है? पुरानी चीज़ें पता चलती हैं, पुराने 30 से 35 हज़ार साल पहले क्या कल्चर रहा होगा, क्या जानवर थे, किस तरह, ये सब पता चल रहा है। तो यहाँ पर कैसे पता चलता है? यहाँ कुछ दिख तो नहीं रहा है साफ? नहीं दिखेगा, आगे जाइए आपको दिखेंगे। कौन सी पेंटिंग यहाँ पर है? कितने पर्यटक रोज आते हैं यहाँ पे? कभी एक भी नहीं आते, कभी एक, कभी दो, कोई गिनती नहीं है, कभी 20 भी आ गए। देश के अलावा विदेशों से भी पर्यटक यहाँ आते हैं? हाँ, आए हुए हैं, जापान से, अमेरिका से, हर जगह से आए हुए हैं। इसका रॉक पेंटिंग देखने का समय क्या है? ये 9 से 5। यहाँ पर जो लोग आते हैं उसको कौन बताता है कि इसका क्या महत्व है और कैसे क्या हुआ, हजारों साल पहले क्या हुआ? यहाँ पर डेली वेजेस पे ये लोग बताते भी हैं। तो आइए आप हमारे साथ चलिए, हम बात करते हुए चलते हैं, बताते चलिए आपके कि कैसे यहाँ पर ये रॉक पेंटिंग का महत्व है। और इधर से बताइए जाइए, हाँ यहाँ पर आप बताइए कि क्या होता है।
ये आदि मानव के जमाने के बारे में जो आप बता रहे हैं इसके थोड़ा डिटेल बताइए क्या है। 35-35 साल ये क्या है इसमें? इसमें मगरमच्छ का देरेगा। ये मगरमच्छ का निशान दिख रहा है? ये बना रखा मगरमच्छ, ये मगरमच्छ का निशान दिखता है। ये 35,000 साल पुराना है ये आदि मानव के टाइम पे। ये पीछे ये शादी वादी का कुछ नहीं, नहीं ये शिकार करते हुए ज्यादा अब आगे बताइए कि क्या होता है यहाँ पर। ये क्या है? ये हिरण, हिरण का निशान है। हाँ ये शिकार करते थे, ये शिकार के निशान दिखा रहे हैं आप। थोड़ा आगे चल के बताइए कि आप और यहाँ पर क्या महत्व है इसका, कि राग पेंटिंग को लेकर पर्यटकों में बड़ी उत्सुकता रहती है। ये क्या है? इनके पास हथियार है। किस बात के हथियार है ये? शिकार करने के लिए। शिकार करने के लिए कौन कौन शिकार करते थे ये? ये अपने हिरण जो भी दिखे जानवर, 1-2-3-4 इसको आदि मानव भी कहा जाता है। आप भाई तो देखो, हाँ यहाँ का महत्व दे बताइए आप जरा, बाकी पर्यटक। ये क्या है? ये आदमी मतलब इसमें मांस भर के ले जाते थे, कावड़ है ये। कावड़ है? ये कावड़ जो यात्रा निकलती है उसको, वो कावड़ 35,000 साल पुराना है क्या? ये मटके टाइप इस कावड़ कंधे पे तो कहने इसमें मांस भरते थे। हाँ मांस भर के ने फिर लाते थे। तो मांस भर के जानवरों के लिए लाते थे? नहीं नहीं, इनके आदमी के जो बच्चे बच्चे के इनके लिए। हाँ जानवर को मार के उसका मांस इसमें भरते थे। इन पहाड़ों के गिरने का खतरा तो नहीं रहता है? नहीं नहीं अभी तो नहीं है। तो ये जब तेज बारिश होती है, अभी मंदसौर जिले में पिछले दिनों तेज बारिश हुई थी, तब क्या बताया गया था? ये है वो। ये क्या है? ये अपने जंगली सुअर है। जंगली सुअर का निशान है ये। अच्छा ये गाय बनी हुई है, थोड़ा जोर बताइए। बेल, बेल। हाँ एक वो अपना जंगली पैसा बना हुआ, गेंडा बना हुआ, शिकार करते हुए, नील गाय का शिकार करते हुए। इंसान लोग कर रहे हैं कि वो जानवर? हाँ नील गाय का शिकार करते हुए बैठा है। हाँ ये नील गाय का शिकार दिख रहा है ये। हाँ ये थोड़ा क्लियर पेंटिंग दिख रही है। ये उस जमाने की है या बाद में की गई है इसको? जमाने की। अच्छा आगे आगे बताइए। और ये जहाँ पानी नहीं पहुँचा वहाँ साफ क्लियर वाली है। अच्छा जी, यहाँ बारिश का जो पानी है उसके कारण ये साफ दिखाई नहीं देता है। ये चीते का है, ये चीते का निशान है ये दिख रहा है। और ये किसका है? ये जंगली भैंसा है। ये जंगली भैंसा, ये जंगली भैंसा है, इसके पास में गेंडा बताया जा रहा है। और ये पेंटिंग किसकी है? कुत्ता है सामने उसके। ये सामने एक डॉग है, आदमी खड़ा उसके, आदमी उनके सामने खड़ा है। अंदर ये जो गुफा का जो निशान दिख रहा है इसमें क्या है? इसमें तो कोई जानवर नेवले वगैरह रहते हैं। नेवले वगैरह रहते हैं यहाँ पर, खतरा भी बना रहता है। तो पर्यटकों को आप ये चेतावनी देते हैं कि नहीं देते हैं? नहीं देते ना। अच्छा साथ में रहते हैं, उनको साथ में रख के दिखाते हैं। पर्यटक यहाँ पर अकेले नहीं आ सकते? नहीं आ सकते ना। अच्छा पर उनके साथ में हम दिखाते हैं। आप आगे आइए और बताइए थोड़ा सा। आगे चलकर हम और कुछ स्थान देखते हैं जहाँ पर राग पेंटिंग के जरिए पुराने जो जानवर है उनकी पेंटिंग है। और आसानी से समझ में तो सारे जानवरों की पेंटिंग नहीं आती है, लेकिन फिर भी यहाँ पर हम कोशिश करते हैं कि किस तरह से ये पेंटिंग की गई है इसका महत्व दिखाते हैं। इधर दो आदमी इधर खड़े शिकार के लिए, ये दो आदमी शिकार के लिए खड़े हैं और दो इधर खड़े हैं, दो इधर खड़े हैं और बीच में ये जानवर है, बीच में ये कोई जानवर दिखाई दे रहा है। ऊपर ये शिकार करके डांस कर रहे हैं, डांस करके डांस कर रहे हैं। ये डांस भी उस जमाने में होता था और जंगलों में होने वाला ये डांस शायद रोमांच भरा होगा। बहुत ही ये पर्यटकों के लिए भी चलना यहाँ पर बड़ा मुश्किल है। बना रखे। ये क्या बना रखे हैं? बेल है, बेल। ये बेल के निशान
साफ थोड़े दिखाई दे रहे हैं, कुछ सिंह दिखाई दे रहे हैं, बेल का निशान भी दिखाई दे रहा है, इधर गाय है, उसका बछड़ा है। और ये गाय और बछड़ा सामने दिख रहा है, और ये निशान किस बात का है? ये उसका है, बारह सिंगे का। ये बारह सिंगे का निशान, हाँ वाकई सिंह देखकर लगता है कि ये बारह सिंह का निशान है। राग पेंटिंग के इस इलाके के बारे में ये कहा जाता है कि यदि इसका सरकार जो है ध्यान दे और यहाँ पर पर्यटकों के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए तो एक अच्छा पर्यटन केंद्र बन सकता है। इस पर्यटन केंद्र को वैसे विकसित करने के लिए सरकार ने यहाँ पर रिसोर्ट बना दिए हैं, और यहाँ पर गाइड की व्यवस्था भी है, जो ये बताते हैं कि आदि मानव के ज़माने में और लगभग 35,000 साल पुरानी ये बात है। Subscribe our channel and press the bell icon for more updates.